अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि कयामत की क्या क्या निशानियां हैं और आपकी इस बारे में क्या मालूमात है। आज की हमारी वीडियो कयामत की निशानियों के बारे में है, तो चलिए आइए वीडियो का आगाज करते हैं। कयामत की निशानियां। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतें कपड़े पहनकर भी नंगी होंगी, यानी कपड़े इतने पतले होंगे जिनसे उनका जिस्म नजर आएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग सही अहादीस से इनकार कर देंगे और झूठी अहादीस बयान करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मर्द कम और औरतें ज्यादा हो जाएंगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद को लोग मौसीकी की तर्ज पर तिलावत करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग ज़कात के हकदार नहीं होंगे मगर ज़कात की तलब करेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दीन पर अमल करना ऐसा होगा जैसे आग का शोला हाथ में पकड़ा हो। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कुरान मजीद को लोग जरिए माश बनाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिना आसान और जिना के असबाब ज्यादा हो जाएंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जमाने में बरकत खत्म हो जाएगी, साल महीने जैसा, महीना हफ्ते जैसा और हफ्ता दिन जैसा और दिन घंटे जैसा गुजरेगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फितने ज्यादा हो जाएंगे और दीनी इल्म कम हो जाएंगे और दीनी इल्म कम हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोगों की नमाज और जिंदगी में से खुशू खत्म हो जाएगी। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनिया के मालदार लोग बखील होंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूद आम हो जाएगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुसलमान मालदार होंगे मगर दीनदार नहीं। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इस्लाम पर अमल करने वालों पर लोग ताज्जुब करेंगे और उन्हें नया समझेंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर आने वाला जमाना गुजरे जमाने से बदतर होगा। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, झूठ आम हो जाएगा और लोग झूठी गवाही देंगे। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, रियाकार आबिद पैदा हो जाएंगे, लोग इबादत रियाकारी और शोहरत के लिए करेंगे। तो दोस्तों, आपने सुना, आज के वीडियो में हमने आपको बहुत सी कयामत की निशानियों से मुतालिक अहादीस बताई। मेरी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सबको इन अहादीस पर अमल करते हुए खुद को और अपने प्यारों को जहन्नम की आग से बचाने की तौफीक अता फरमाए और हम इन निशानियों को जानते हुए अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करें और अपने अंदर अच्छाइयां पैदा करें और हम उस दिन जिस दिन कयामत आएगी और मैं और आप अल्लाह के आगे खड़े होंगे, उस दिन हम सब आफियत में हों और हमारी मुश्किलात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दूर फरमाए और मुझे और आपको जन्नतुल फिरदौस में जगा दे। आमीन सुआमीन। दोस्तों, अगर आपको हमारी आज की वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल मालूमात को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अल्लाह हाफिज़।